देखती हुई आंखों, धड़कते हुए दिलों, मचलती और बहकती हुई सांसों की खिदमत में अब्रार काशिफ का प्यार, एहतराम और सलाम। चांद से, फूल से या मेरी जबां से सुनिए, चांद से, फूल से या मेरी जबां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए, सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की जबां से सुनिए। आइए मस्कत की इस मोहब्बतों की महफिल में, मुरव्वतों की महफिल में, मासूमों की महफिल में, माशूकों की महफिल में, मैं अब्रार काशिफ एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। जोरदार तालियां बजाकर मुझे मुशायरा शुरू करने की इजाजत दीजिए। हिज एक्सीलेंसी जनाब अमित नारंग साहब तशरीफ फरमा है, बहुत ही खूबसूरत तकरीर उन्होंने की। वो जब उर्दू में अपनी तकरीर यहाँ पर कर रहे थे तो मुझे लग रहा था उनकी जबान से लफ्ज नहीं बल्कि फूल झड़ रहे हों। मैं उनकी इस उर्दू दोस्ती और उर्दू नवाजी को सलाम करता हूँ। बहुत खूबसूरत शख्सियत है। जब तक वो यहाँ नहीं आए थे मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा खूबसूरत महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो आ गए हैं तो मुझे लगा कि मेरी ये गलत फहमी थी। मैं सिर्फ नारंग साहब के लिए ये कहना चाहता हूँ कि 100 करम 100 खलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, एक ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की, हम सबको बहुत हौसला मिला। जरा सा इसको माइक को जरा सा सही कर दें, इसमें जरा बढ़ा दें और इसमें बेस डाल दें, थोड़ा सा बेस डाल दें। कोई माइक इंजीनियर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? बहुत शुक्रिया। जरा सा संजीदगी और दानिश्वरी की जरूरत है, 2-3 मिनट में आपका वक्त लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के फानों से दिमाग में शम्मे अक्ल रोशन की और उसे इख्तियारात की जरा सी कुव्वत से नवाज दिया। फिर इरशाद फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को हिदायत भी सबील कर दी, चाहे तो सही रास्तों पर चलकर शुक्राने नेमत करे या गलत रास्तों पर चलकर कुफराने नेमत करे। ये इख्तियार मैं आज तुझे देता हूँ, मगर एक दिन मुकर्रर करता हूँ, उस दिन ऐ इंसान मैं तुझसे पूछूंगा कि बता तू किन रास्तों पर चलकर हम तक पहुंचा है। मगर इस इंसान ने क्या किया, इस जरा सी इख्तियारात की कुव्वत की बिना पर यह इंसान जमीन पर जाल बनकर बिछ गया, आसमान पर कमंडे डालने लगा। जमीन इससे न बची, आसमान इससे न बचा, हवा इससे न बची, फजा इससे न बची। इसने समंदरों की हैबतनाकी और गजबनाकी को चैलेंज करके हुबाब को, मौज को मौज से लड़ा दिया, हुबाब के दिल तोड़ दिए, साहिलों को उदास और गमकीन कर दिया। इसने आसमान में उड़ते हुए परिंदों को जमीन पर बिस्मिल करके रख दिया, और तो और जर्रे का जिगर चीरा, उसका एटम निकाल लिया, उसका जिगर चीरा, उसका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालकर सारी दुनिया को लर्जा बरंदाम करके रख दिया। आज ये इंसान जरा से इख्तियारात की कुव्वत की बिना पर अशरफुल मखलूकात है, अमीर कायनात है, वाकिफ असरार हस्ती है, अंजुम शिकार है, बर्क रफ्तार है, तहजीब का देवता है, इर्तिका का परवरदिगार है। आलम बसीरत इसके सामने खाक बसर है, शम्स और कमर इसके सामने दलूजर हैं, चांद और सूरज इसके दरबार में गुलामों की तरह खड़े कांप रहे हैं, शम्स और कमर इसके बारगाह में कैदियों की तरह खड़े ताक रहे हैं। इस जरा से इख्तियारात की कुव्वत की बिना पर यह इंसान इतना ऊंचा हुआ, इतना बुलंद हुआ कि लोहे को आकाश में उड़ा रहा है, दाने को धरती से उठा रहा है, मोती की आवरू को बचा रहा है, जहाजों को समंदरों पर भगा रहा है। अब तो इसने जमीन को नाकाबिले रिहाइश समझ कर चांद पर डेरे डालने के ख्वाब सजा लिए हैं। फरिश्तों की दुनिया में हलचल मच गई है, जहां जिब्रील तकरीर फरमा रहे हैं फरिश्तों होशियार, ये जन्नत से निकाला हुआ फिर वापस आ रहा है। क्या नहीं है इस इंसान के पास, सब कुछ है इस इंसान के पास। खाने के लिए रंग बिरंगी खुराकें इसके पास है, पहनने के लिए नौबनों पोशाकें इसके पास है, ज्यादा आराम भी इसके पास है, बादाओ गुलफाम भी इसके पास है, मगर इन सब के बावजूद सच्ची खुशी इसे हासिल नहीं है, सच्चा सुकून और सच्चा इत्मीनान इसे हासिल नहीं है। दोस्तों ये आज भी पुकार रहा है, दर बदर भटक रहा है कि मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे सुकून नहीं मिलता। ये इशरत कदे गया, वहां इसे चैन नहीं मिला, ये दौलत कदे गया, वहां इसे चैन नहीं मिला, ये बुत कदा गया, वहां भी इसे सुकून नहीं मिला, ये मैं कदे गया, वहां भी इसे सच्ची खुशी मैसर नहीं हुई। अब वहां से भटकता हुआ, दर बदर फिरता हुआ ये गजल कदे में आ गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस गजल कदे में शायद इस इंसान को सच्ची
खुशी में असर हो जाए। एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आप लोगों को मैं चाहता हूं कि पीछे के जो दोस्त अहबाब मेरे जो इस मुशायरे से जुड़ रहे हैं जरा और करीब आ जाएं, आगे की सीटों को पुट कर ले आ जाए। जब तलक रत जगह नहीं चलता और क्या इश्क क्या है पता नहीं चलता, और मेरे करीब आ जाओ इश्क में फासला नहीं चलता। तो मैं चाहता हूं कि फासले को कम किया जाए, आ जाए दोस्तों।